हेलो एवरीवन, देव अभिमन्यु ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। आज हम तीनों साथी आप लोग को जो है भीम बांध नहीं है ना, नागी डैम है ना, नागी डैम आप लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोग को पार्ट बाय पार्ट पूरी तरह से सारा कुछ वहाँ के बारे में बताएँगे। वहाँ का सेंचुरी के बारे में हम लोग दिखाएँगे। वहाँ का जो बांध है पक्षियों के लिए जाना जाता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोग को सारा चीज़ पार्ट बाय पार्ट हम लोग तीनों साथी दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हो गाइस, बाइक तो चल रही है और आप लोग को थोड़ा मोबाइल रोटेट करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत नज़दीक से दिखाई भी आप लोग को पड़ रहा होगा कि आप हम लोग पहुँचने वाले हैं और आप लोग को नज़दीक से जाकर आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। गेट से जो भी आराम करेंगे हम लोग टोटल दिखाने का प्रयास करेंगे कि बांध किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि बांध भी जो है ना पूरी तरह से अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मरम्मत नहीं किया जा रहा है। भले वहाँ पे बना दिया गया है, बैठने उठने का व्यवस्था कर दिया गया है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो अभी भी अखंडित हुआ हुआ है। आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग बने रहे इस वीडियो में। आप लोग पहुँचने वाले ही हैं हम लोग तीनों साथी। देख सकते हो गाइस, हम लोग का साथी जो है पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया है और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये गेट है, मेन द्वार है, जिससे हम लोग एंट्री करेंगे। तीनों साथी एंट्री करेंगे और उस जगह पर जो है वहाँ पे एक गार्ड को रखा गया है जो पूरी तरह से मेंशन करता है रजिस्टर में और उसमें लिखता है कितने बजे एंट्री किया है बंदा लोग और कहाँ का रहने वाला है, नाम भी सिग्नेचर करवाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका लिखवा रहे हैं। अब हम लोग भी तीनों साथी जाएँगे वहाँ पर एंट्री करवाएँगे, नाम उम लिखेंगे, उसके बाद तीनों साथी अंदर चले जाएँगे और आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मेन गेट है, दो को गुंबद सा बना दिया गया है मेन गेट पर, देख सकते हैं एक वो साइड में है और एक ये साइड में सामने में लगा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उसका लोगो लगाया गया है, आई लव नागी। वीडियो में तो आप लोग को उल्टा नज़र आ रहा होगा, पर आपको जो है कि इसका तस्वीर खींचकर जो है थंबनेल में भी लगा देंगे, जिससे कि आप लोग को सही से नज़ारा आ सके। तो हम तीनों साथी अंदर जा रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम लोग एंट्री करवाएंगे रजिस्टर में। आप लोग देख सकते हो, अंकल से भी पूछने का भी प्रयास करेंगे। मोबाइल नंबर 3 को इस जगह पर अंकल देखिए रजिस्टर में नाम पता सब कुछ लिखवा रहे हैं। 3 जितने आदमी हैं, जितने टाइम में जा रहे हैं हम लोग, उतने टाइम को भी मेंशन किया जा रहा है रजिस्टर में। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया जा रहा है इस जगह पर। और मेंशन हो जाने के बाद रजिस्टर में एक स्लिप भी दे रहे हैं अंकल, जो कि हम लोग को अभी जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग को अपने पास ही रखना है। देख सकते हैं हम लोग को स्लिप भी मिल गया है और इस अंदर का व्यू आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे ही हम लोग बांध के ऊपर चढ़ेंगे वहाँ का फिर नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग को। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, हम तीनों साथी अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हैं। आप लोग को अंदर जाने का पूरी व्यू आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। ये पक्षियों के लिए जाना जाता है ये बांध, यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आया करता है और पानी की ही लोभ से आते हैं पक्षी, तो आप लोग भी जानते होंगे और हम लोग भी जानते हैं। देख सकते हैं इस जगह पर भी लड़का लोग कुछ लोग खड़ा होकर पक्षियों के पास पिक्चर उक्चर खींच रहे हैं। ये साथी लोग आगे निकल चुके हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है तो साथी लोग, मेरे देख सकते हो इस जगह पर पक्षी है,
पक्षी का तस्वीर है, आप लोग को जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अंदर की ओर आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो है बोर्ड जो लगाया गया है, लोकेशन है नागी बांध का, जो है लोकेशन के लिए ये शो कर रहा है। ये रास्ता है नीचे की ओर, ये नीचे की ओर जा रहा है ना अंकल? हाँ हाँ। नीचे की ओर जा रहा है और आप लोग को ऊपर भी चढ़ के हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। गाइस आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे जो है पक्षियों का बोर्ड लगाया गया है। जो जो पक्षी यहाँ पे आते हैं बैठते हैं, हर जगह पक्षियों का बोर्ड लगाया गया है। ये जो पक्षी है, ये भी पक्षी इस जगह पे बैठते हैं, जो कि हम लोग इसको गोरिल्ला बोलते हैं। और इस साइड में भी देख सकते हैं एक पक्षी का तस्वीर लगाया गया है। आ रहे हैं, ये हम लोग का रास्ता है नीचे की ओर जा रहे हैं। देख सकते हो धीरे धीरे जो है नीचे की ओर जा रहे हैं। पानी भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा और बोट भी लगा हुआ है। धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हर देखते हैं, हर कोई यहाँ पे देखने के लिए आता है। देखने के लिए जो है सुविधा के लिए जो है यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था किया गया है, जो कि हर कोई व्यक्ति कहीं भी से आता है थका हुआ तो बैठ सकता है घूम घूम के। देख सकते हो गाइस आप लोग को पानी दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं घूम घूम के। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोग को पूरा नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। इस जगह पर भी देखिए बैठने उठने की व्यवस्था किया गया है। ये जो बांध है, भले इस बांध कमज़ोर हो गया है, लेकिन यहाँ का जो है लोग सिर्फ बैठने उठने दिखावटी के लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, लेकिन बांध को सही तरह से जो है अभी मरम्मत नहीं किया गया है। बांध अभी भी कमज़ोर है। हम लोग आप लोग को जो है ऊपर जाके चढ़ के दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ का किस तरह का नज़ारा है। पूरी तरह से टूट फूट गया है, फिर भी लोग इस जगह पर आके पानी का लुप्त और यहाँ का देखने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आने का आता है और पानी का भुंजगा। इस बार आप लोग को पानी बहुत कम नज़र आ रहा होगा गाइस, क्योंकि इस बार जो है इस वर्ष जो है पानी बहुत कम पड़ा है, जिसके कारण से पानी यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। ये जो नागी बांध जो है छुछनरिया गाँव है ना अंकल, छुछनरिया गाँव के बगल में ये गाँव ये बांध है, जो कि यहाँ पर दूर दूर से हर व्यक्ति आता है, हर यहाँ का लुप्त उठाता है। देख सकते हो गाइस यहाँ से जो है बांध स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को बांध पर जाके आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो बांध है, ये बांध जम्मू जिला के झाझा प्रखंड के अंदर में आता है। आप लोग को बांध पे जाके आप लोग को पूरा व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे घुमाकर कि कितना अभी पानी है, क्योंकि बारिश कम होने के कारण अभी इस बांध में जो है पानी बहुत कम है। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे बांध पर जाके। साथी मेरा नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, यहाँ से पूरा व्यू आप लोग को दिखाई दे देगा गाइस। आप लोग बने रहे, देखिए एक साथी यहाँ पे खड़ा है, देख सकते हो धीरे धीरे करके आप लोग को रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है आपको लाइन टाइप का, यही बांध है। और दो गेट लगा हुआ है जिससे कि पानी को रिलीज किया जाता है। तीनों साथी देखिए हम लोग अपना अपना नाश्ता ले लिए हैं गाइस। नागी गेट के सामने सामने ये दुकान खुला हुआ है गाइस। तीनों साथी थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं। तो हाय दोस्तों, देख सकते हो उसी बांध के ऊपर गाड़ी चल रही है। देख सकते हो हम तीनों साथी जा रहे हैं आगे का दोस्तों। यही बांध के गाड़ी चल रही है, ऊपर से बनाया नहीं गया है, बने रहे, इसको बनाया नहीं गया है। अभी जो है ऊपर का जो बांध जो है कंकरी जिसको बनता है वो टूटा फूटा हुआ है। उतर के आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। गाड़ी रुकने वाली है दोस्तों, गाड़ी अब रुकने वाली है दोस्तों। देख सकते हो लड़का लोग भी हाय हेलो कर रहा है गाइस। आप लोग को फाटक के पास लेके जा रहे हैं ना? फाटक के पास जिस जगह से पानी को रिलीज किया जाता है उतरने के कोरियस कितना फीट अभी नीचे हो गया है पानी अंकल जी? 426 फीट हो गया है नीचे में पानी अभी है गाइस। उतना अभी और ऊपर आता है जो बारिश 34 से प्लस हो जाता है। चार सौ चौंतीस होने के बाद जो है गाइस फाटक को खोला जाता है, जो कि जो पानी जो है रिलीज इस साइड से किया जाता है, जो कि आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साइड से रिलीज किया जाता है पानी को गाइस, देख सकते हो गाइस। आप लोग को जिस गांव का नाम बताए थे गाइस सुचनरिया बस्ती, वो ये साइड में है, ये साइड में है गाइस। आप लोग देख सकते हो यही सुचनरिया बस्ती कहलाता है, जो ज़्यादा दूर पर नहीं है। अगर ये बांध अगर टूट जाए तो सबसे पहला नंबर जो है खंडित यही बस्ती होगा गाइस, बहुत ही नज़दीक में है। और आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि जो ऊपर का जो बांध का जो कंगनी है वो सब टूटा फूटा हुआ है। आप लोग देख सकते हो गाइस पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ है, देख सकते हो सही से कंगनी को भी मरम्मत नहीं किया गया है। आप लोग देख सकते हो सही से कंगनी जो है सब कुछ टूट फट गया, इसका मरम्मत नहीं करवाया जा रहा है। आगे जाके अगर ये बांध अगर कमज़ोर हो जाएगा गाइस तो इसकी वजह से बहुत सारा बस्ती यहाँ पे जो है ध्वस्त हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा दोस्तों। इसको हाय हेलो कर दो थोड़ा सा वीडियो में। हाय दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। फाइनली सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ठहरे हुए पानी में कंकर नमा सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो।
ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में।